रिलेटेड हाय गाइस, तो बिजनेस से रिलेटेड आपके साथ कुछ मैं एडवाइस अपनी शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि मैं खुद बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो आजकल मेजॉरिटी में जो यूथ गलती कर रहा है बिजनेसेस को लेके, और जिसके कारण बहुत सारे, मैं स्टार्टअप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उसमें यंग जनरेशन बहुत अपना हार्ड ट्राई मारते हैं, लेकिन काफ़ी अपने जमा पैसे को वो उसमें लगा देते हैं और उसके बाद कंपनी बंद करनी पड़ती है, या फिर जो भी छोटा बिजनेसेस ओपन ने उन्होंने ओपन किया है उसको बंद करने की नौबत आ जाती है। तो हम ऐसा क्या करें कि बिज़नेस बंद ना हो, वो अच्छा रन करे और उसमें पैसा जो हमने लगाया है वो ना डूबे। तो देखिए, जब जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने की सोचते हैं तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे ओलंपिक्स में जब सारे रनर्स भागने आते हैं तो जीतता कौन सा रनर है? कौन रनर है जो गोल्ड मेडलिस्ट ले जाता है? कौन रनर है जो जिसका दुनिया भर में नाम होता है? वो रनर होता है जिसकी प्रिपरेशन अच्छी होती है, जिसने सही जगह से ट्रेनिंग ली हुई होती है, जिसका कोच एक सही आदमी होता है और जिसकी एबिलिटी उस गेम में, उस स्पोर्ट्स में सबसे अच्छी होती है और उसको वो स्पोर्ट्स खेलना भी बहुत पसंद होता है। उसी तरीके से बिजनेस में भी वही सफल होगा जिसको जो वो बिज़नेस कर रहा है उसका एक्सपीरियंस है, जिसको जो वो बिज़नेस कर रहा है उसका नॉलेज है, और जिसको जो वो बिज़नेस करने वाला है उसको वो बिज़नेस पसंद है और वो उस काम में इंटरेस्ट रखता है, तभी वो बिज़नेस आगे चल के उसमें सफल होने की संभावना है। नहीं तो जो काम आप सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि उससे आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो हो सकता है आप उसमें फेल हो जाओ, आपको सफलता ना मिले। तो यही एक रीज़न होता है, बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए बिज़नेस ओपन करते हैं क्योंकि उन्हें करने के लिए कोई काम चाहिए, उनका इंटरेस्ट उसमें होता नहीं है और वो एक थोड़ा बहुत टाइम लगा के उस बिज़नेस को ओपन करते हैं और उसमें टाइम देते हैं, लेकिन उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता तो छोड़ देते हैं। तो ऐसे आप अगर बिज़नेस करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि बिज़नेस में आपको लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है और लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं जो अपना सब कुछ लगा के लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अगर आप उनको फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रहे हो, उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे लोग का मतलब है कस्टमर्स, तो वो आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, और आपके साथ नहीं जुड़ेंगे तो आपको बिज़नेस नहीं मिलेगा और आपका बिज़नेस नहीं फलेगा फूलेगा, आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। तो इसलिए आपको ऐसा काम चुनना चाहिए जो आप दिन रात कर सकते हो, जिस काम को करने की आपकी इच्छा है, जिसका नॉलेज आप ले सकते हो, आप भूखे हो, और जिसका आपको एक्सपीरियंस है, जिसमें आपको करने में मज़ा आता है। जब आप इस तरीके से बिज़नेस करोगे तो वो बिज़नेस बिल्कुल सफल होगा। अगर वो फेल भी हो गया तो आप कमबैक कर लोगे और फिर से आके मार्केट में कब्ज़ा करोगे। तो जब भी आप बिज़नेस करने की सोचते हो तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है कि वो काम आपको पसंद हो जो आप बिज़नेस करने वाले हो, उस काम का आपको अच्छा नॉलेज है, अगर नॉलेज नहीं है तो उस नॉलेज को गेन करना है, और अगर उस काम की आपकी इच्छा नहीं करती है तो उस काम को आपको नहीं करना है, उस बिज़नेस को आपको नहीं करना है। और बिज़नेस का जो एक ओवरऑल मेंटालिटी है या बिज़नेस की जो ओवरऑल जिस्ट है या जो सार है वो ये है कि बिज़नेस में आपको लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है, और अगर लोगों को आपसे फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आपका बिज़नेस नाकामयाब हो जाएगा, आपका बिज़नेस फेल हो जाएगा। और अगर लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, वो आपके सर्विसेज को यूज़ करके उनकी लाइफ चेंज हो रही है, लाइफ बेटर हो रही है, तभी आपका बिज़नेस सक्सेसफुल होगा, तभी आप सक्सेसफुल होगे और तभी आपके पास पैसा आएगा और आप अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर पाओगे और उसको अपनी मेन इनकम का पार्ट बना पाओगे। तो ये था बिज़नेस का कुछ टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत हो रही है बिज़नेस रिलेटेड चीज़ों को करने में, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया।